फाइनली और अब मुझे वक्त मिल गया मेरे बचपन के पहले सुपर हीरो का वीडियो बनाने के लिए। सच में मेरी जिंदगी का सबसे पहला सुपर हीरो यही है। और अब इसके एपिसोड्स की शुरुआत कर दिए तो अब ये भी बीच बीच में आता रहेगा, वरना तुम लोग कहोगे कि सुपर हीरो फैन है और सिर्फ मार्वल का डाल रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैं क्लासिक मेंटर देखता रहा जिसमें बेन का सबसे पावरफुल एलियन था फोर आर्म्स, और जब इसका एलियन फोर्स सीजन आया तब इसका सबसे पावरफुल माना जाता रहा ह्यूमंगसो। तो चलिए आज इन्हीं दोनों को वर्सेस करते हैं। सबसे पहले फोर आर्म्स के बारे में बात करें तो मैं जितना जानता हूँ उतना पहले बता देता हूँ। एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनहांस जंपिंग, काफ़ी छलांगे माते देखा है मैंने। शॉक वेव जनरेट कर सकता है और सोनिक क्लैप भी। अगर तुम लोग शॉक वेव और सोनिक क्लैप को एक समझ रहे हो तो तुम लोग गलत हो, ये दोनों अलग है। दीवार पर चढ़ सकता है, एनहांस स्पीड भी है। अब थोड़ा इंटरनेट पे भी देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जाता है। एजिलिटी है, रिफ्लेक्सिस है, स्ट्रॉन्ग टीथ है, हीट रेजिस्टेंस है। अब आता है ह्यूमंगसो पर, तो ह्यूमंगसो भी सेम ही है। एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, एनहांस जंप, सक्शन रेजिस्टेंस, वाइंड रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक ला सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग टीथ है, सेफ शिफ्टिंग, अपने साइज को बढ़ा सकता है, जो कि मैंने सबसे पहले देखा था जब वो ग्रीन मॉन्स्टर अपने शिप से बाहर आ गया था। इसकी साइज 20 फीट से 16 फीट तक बड़ा हो सकता है। इसकी साइज जितनी बढ़ेगी उतनी ही पावर्स भी, और ये बड़े बड़े अटैक्स को भी झेल सकता है। और इसकी पूंछ भी शो के लिए नहीं है, ये अपने पूंछ के एक वार से दुश्मन को दूर फेंक सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन, तो जीतेगा ह्यूमंगसो। अब तक मुझे ये लगता था कि फोर आर्म्स ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन आज खुद मैंने खुद को गलत साबित कर दिया, क्योंकि ह्यूमंगसो अपने साइज जितनी बड़ी करेगा उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो यहाँ पर विनर ह्यूमंगसो है। तुम में से कितनों को लगता था कि फोर आर्म्स ताकतवर है कमेंट में बताना। ये वर्सेस का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जाके दूसरे वीडियो देखो, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि नए वीडियोस की तुमको सबसे पहले पता चले। मैं मिलता हूँ अमेज यूनिवर्स के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।